एक ऐसा शिवलिंग और उससे जुड़ा हुआ रहस्यमय मंदिर जिसकी पौराणिक कथा सुनकर आप भी यकीन नहीं करेंगे। इस शिवलिंग को स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं ग्वाला रूप धरा और लंकापति रावण के साथ छल किया, जिसके बाद यह शिवलिंग स्थापित किया गया। नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूं तो आप सभी जानते हैं कि हम रोजाना आपके लिए विभिन्न खास मंदिरों की जानकारियां लेकर आते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बाबा बैजनाथ मंदिर का रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और मंदिर दर्शन की घंटी अवश्य बजाएं, यानी कि चैनल सब्सक्राइब करें। बैजनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र शिवलिंग यहां विराजमान है। यह झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। यह ज्योतिर्लिंग एक शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की कामना पूर्ण हो जाती है। इसी कारण से इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। दोस्तों, इस ज्योतिर्लिंग के पीछे की यह मान्यता है कि राक्षस राज रावण कैलाश पर घोर तपस्या के बाद भगवान शिव के एक पवित्र शिवलिंग को प्राप्त करने आया था और उसके बाद उस शिवलिंग को यानी स्वयं भगवान शिव को लंका ले जाना चाहता था। तो चलिए जानते हैं क्या है इसके पीछे की पौराणिक गाथा। कहते हैं तस्यानंद रावण भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर घोर तपस्या कर रहा था। वह एक एक कर अपना सर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सर चढ़ाने के बाद जब रावण अपना 10वां सर काटने वाला ही था, तब भोलेनाथ को प्रसन्न होकर रावण को दर्शन देने पड़े और उनसे उन्होंने वर मांगने को कहा। रावण को सोने की लंका के अलावा 3 लोगों के शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही साथ उसने कई देवता यज और ऋषि मुनियों को कैद करके लंका में रखा हुआ था। इसी वजह से रावण ने यह इच्छा जताई कि भगवान शिव भी कैलाश छोड़कर लंका में ही रहे। इसीलिए रावण ने भगवान शिव शंकर से कामना की कि कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। शिव जी ने उन्हें वह लिंग ले जाने की अनुमति तो दे दी, लेकिन एक चेतावनी भी दी कि यदि वह इस कामना लिंग को पृथ्वी के मार्ग में ही कहीं रख देंगे तो वह वहीं पर अचल होकर स्थित हो जाएगा और उसे कोई भी नहीं हिला पाएगा। महादेव की इस चेतावनी को सुनने के बावजूद भी दशानंद रावण कामना लिंग को अपने नगरी लंका ले जाने के लिए तैयार हो गया। इधर भगवान शिव के कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवता पालनहार भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब श्री हरि ने अपनी लीला रची और उन्होंने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लंका की ओर चला तो उसे देवघर के पास लघु शंका लग गई। शिवलिंग को हाथ में लेकर लघु शंका करना उसे उचित नहीं लगा, इसीलिए उसने अपने आसपास देखा कि कहीं उसे कोई मिल जाए जिसे वह शिवलिंग थमाकर लघु शंका कर सके। कुछ देर के बाद उसे एक ग्वाला नजर आया जिसका नाम बैजू था। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु स्वयं वहां आए थे। रावण ने उस ग्वाले से कहा कि वह शिवलिंग को पकड़ कर रखे ताकि वह लघु शंका से निर्मित हो सके, और साथ ही साथ उसने ये भी कहा शिवलिंग को भूलकर भी भूमि में मत रखना। रावण जब लघु शंका करने लगा तब उसकी लघु शंका से एक तालाब बन गया और उसकी लघु शंका खत्म ही नहीं हो रही थी। लेकिन रावण परेशान था। ग्वाले के रूप में मौजूद भगवान विष्णु ने रावण से कहा कि बहुत देर हो चुकी है, अब मैं और शिवलिंग उठा नहीं सकता। इतना कहकर उसने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। इसके बाद रावण की लघु शंका भी समाप्त हो गई। जब रावण लौट कर आया तो वह अपने लाख कोशिशों के बावजूद उस शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भगवान की लीला समझ आ गई और तब रावण क्रोधित होकर उस शिवलिंग पर अपना अंगूठा दबाकर
वहां से चला गया। कहते हैं जहां पर उसने लघु शंका की थी वहां एक बहुत बड़ा तालाब बन गया था। उसके अलावा हमेशा के लिए वह शिवलिंग वहीं पर विराजमान हो गया। ग्वाले के नाम पर ही इस खास मंदिर का नाम भी रखा गया है। ग्वाले का नाम बैजू था जो कि स्वयं भगवान विष्णु थे। ऐसे में मंदिर का नाम भी बैजनाथ मंदिर कर दिया गया। तो पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के प्रहार से माँ शक्ति के हृदय का भाग भी यहीं कटकर गिरा था। और बैजनाथ माता शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहते हैं शिव और शक्ति के इस मिलन स्थल पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना खुद देवताओं ने की थी। अगर आपको कभी भविष्य में इस खास चमत्कारी मंदिर के दर्शन करने का अवसर मिले तो इस अवसर को चूकिएगा मत, क्योंकि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 51 शक्तिपीठों में से भी एक है। ऐसे में स्वयं भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिलेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी यह खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।